अभी हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बारे में सीखेंगे। सी, जो प्राइवेट प्लेसमेंट है, कंपनी गिने चुने लोगों से, खास करके 4, 5, 10 लोग मिलकर कंपनी को स्पॉन्सर करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। नो, प्राइवेट प्लेसमेंट में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, सब सिक्योरिटी चलता है। लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कंपनीज एक्ट में 2013 में क्लियर कट बता है कि ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में भी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट ही है, प्राइवेट प्लेसमेंट ही है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में जब तुम डिबेंचर इश्यू करते हैं तो उसमें कंडीशन रहता नहीं है कि तुम भविष्य में डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है कि जब तुम किसी को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करते हो, तुम इक्विटी करो या प्रेफरेंस करो या डिबेंचर करो या बॉन्ड्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सिक्योरिटीज में। तुम आज कोई भी सिक्योरिटीज प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इश्यू करो, लेकिन सबसे बड़ा फर्क प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में यह है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में तुमने जो भी सिक्योरिटी, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर या बॉन्ड्स आज इश्यू किया, तो भविष्य में कुछ सालों में उसको कंपलसरी इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जबकि प्राइवेट प्लेसमेंट में वो डिबेंचर है तो फुल टाइम भविष्य में डिबेंचर ही रहेगा, उसको कन्वर्ट करने का कंपल्शन प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं है। लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में है, तो तुम आज भले ही प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हो या डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, तो 2, 5 साल बाद जो प्रेफरेंस शेयर है या तो डिबेंचर है, तो तुम कंपलसरी कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मतलब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में तुम लगभग सब सिक्योरिटी इश्यू कर सकते हो, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर नहीं इश्यू कर सकते, क्योंकि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कंपलसरी है कि भविष्य में कन्वर्ट हो। नॉर्मली प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किसको दिया जाता है? जो प्रमोटर्स, मतलब जो खास करके जो पैसा लगाते हैं और कंपनी कर्जे के बोझे से दूर रहना चाहती है कि भाई भविष्य में तुम शेयर होल्डर्स बन जाना तो हमको लौटाना ना पड़े। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का फायदा ऐसे होता है कि कंपनी को लौटाने की जरूरत नहीं, जबकि प्राइवेट प्लेसमेंट में यदि कर्जा लिया है तो लौटाना पड़ेगा। जबकि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में जो कर्जा लिया है, भविष्य में वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कंपनी को लौटाने की जरूरत नहीं। ये फुली पेड अप शेयर चाहिए, कंसिडरेशन अदर देन कैश होना चाहिए, मतलब सीधी बात है, चेक वो सब में आता है, ऑनलाइन ट्रांसफर। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वाले शेयर्स को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं रहेगा, मतलब जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो लोग कंपनी के मीटिंग में वोटिंग नहीं कर सकते। तो तुमको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करना है या प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, तुमको इक्विटी शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुला के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स से परमिशन लेना पड़ेगा। वो परमिशन होगा बाय रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन वो लोग पास करके अलाउ करेंगे कंपनी को कि भाई तुम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करो टू द एक्सटेंट जो स्पेसिफाइड है। सो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्यों कंपनी जाती है? क्योंकि एक तो टाइम सेव होता है, आईपीओ इतना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स है, उसमें लॉयर्स आ जाते हैं, मैंने बताया था, सेबी आ जाता है, कंपनीज एक्ट आ जाता है, स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, बहुत सारे बैंकिंग रेगुलेशन, दुनिया भर के एक्ट्स और लाइबिलिटीज और कायदे लागू हो जाते हैं। तो इसमें तुम्हारा खर्चा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करती है, क्योंकि आईपीओ ऐसा प्रोसीजर बड़ा है, टाइम कंज्यूमिंग है और वेरी कॉस्टली। ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टाइम सेविंग है, चीपर है, लेस पेपर वर्क है, लेस फॉर्मेलिटीज है, तुमको अच्छे खासे वेंचर कैपिटलिस्ट या इन्वेस्टर मिल गए, और तुमको सबसे बड़ा फायदा है कि भविष्य में तुमको कर्जा लौटाना नहीं है, वो लोग इक्विटी शेयर के तौर पर शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, तो तुमको लौटाने का भी प्रेशर नहीं रहेगा। तो ये तुम्हारा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट था। क्या सबको मीनिंग समझ में आया? यस और नो? यस सर,